नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है कि फॉलिकल और एग में क्या फर्क होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हम बोलते हैं कि आपका एएमएच लो है, आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, मगर उनको इस चीज को लेकर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो कहते हैं, डॉक्टर हमने तो कितनी फॉलिकुलर स्टडी करवाई है, हमारे तो फॉलिकल बहुत अच्छे हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनकी और हमारी थॉट के साथ मिसमैच हो जाता है कि हम उनको समझाते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, वेयरएज उनको लगता है कि हमारी तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। फॉलिकल जो है वह एक अल्ट्रासाउंड के ऊपर दिखने वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि एक काले रंग का गोला होता है जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर दिखता है, जिसको हम चेक करते रहते हैं कि इसका साइज बढ़ रहा है, ये अभी छोटा है डे टू पे, डे 14 पे बड़ा हो जाएगा, 18 मिलीमीटर का हो जाएगा, 20 मिलीमीटर का हो जाएगा। तो ये एक काले रंग का जो गोला अल्ट्रासाउंड पे नजर आता है, इसको फॉलिकल कहा जाता है। तो और इसकी स्टडी को भी फॉलिकुलर स्टडी कहा जाता है। अब एग जो है वो एक छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो ये जो फॉलिकल है इसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर घूम रहा होता है जब एग रप्चर होता है। जो हम अगर टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे होते हैं तो ये जो पानी हम निकालते हैं उसके अंदर जो है एग तैर रहा होता है, जिसको हम जो है पिकअप करके या एग निकाल कर, मतलब उसको पानी को निकालते हैं और पानी में एग तैर रहा होता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे हम ढूंढ लेते हैं। अब जो है एग क्वालिटी और फॉलिकल क्वालिटी में फर्क होता है। जो फॉलिकल है वह तो 50 साल की उम्र तक भी अच्छा चलता रहता है, फॉलिकल दिखेगा छोटा है, बड़ा हो गया, फट गया। तो ये जो फॉलिकल स्टडी है ये हो सकता है बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रही हो, फिर भी एग क्वालिटी का इशू हो सकता है। जो एग है वह जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब हम उसमें नुक्स निकाल सकते हैं या नुक्स निकालते हैं। जो एग होता है, अगर मैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो एग एक गोल स्ट्रक्चर होता है अबाउट 120 माइक्रॉन्स का। उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, उसमें एक पोलर बॉडी होती है जिससे हमें पता चलता है, जो एग के साइटोप्लाज्म और जोना पेलुसिडा के बीच में होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एग मच्योर है या नहीं। तो पोलर बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये एग मच्योर है। अब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कई बार गड्ढे गड्ढे होते हैं या काला सफ़ेद होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें ग्रैनुलैरिटी है या इसमें कोई डिस्क है या इसमें कोई वैक्यूल है। पोलर बॉडी जो है वो एक की बजाय उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। जो साइटोप्लाज्म है और जोना पेलुसिडा उसमें जो डिस्टेंस है वो कई बार बिल्कुल एक जैसा होता है सारे तरफ, कई बार बड़ा छोटा होता है। तो जब हम एग को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब हमें उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता चलता है। ज़्यादा एज की लेडी होगी उसके एग में हम ज़्यादा नुक्स बताएंगे, कम एज की लेडी होगी वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी ऑफ एग्स बनाएगी। एग क्वालिटी है और जो फॉलिकल क्वालिटी है उसमें पेशेंट्स के और माइंड में बहुत मिसमैच होता है, क्योंकि उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हर फॉलिकुलर स्टडी में ये जानकर आए होते हैं कि आपका फॉलिकल बहुत बढ़िया बन रहा है। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि फॉलिकुलर स्टडी एक अल्ट्रासाउंड स्टडी है जो किसी भी एज ग्रुप की लेडी में बिल्कुल एकदम परफेक्ट नजर आ सकती है, मगर ये परफेक्ट नजर आने का मतलब ये नहीं है कि हमारी एग क्वालिटी एकदम बढ़िया है। एग जो है वह जब हम ये पानी निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये बढ़िया है या नहीं। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक पे और जानकारी चाहिए हो तो आप अपने नजदीकी फर्टिलिटी डॉक्टर को मिल सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।